जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंशिका। और दोस्तों, कल जिस अग्निपथ योजना के बारे में मैं और आप चर्चा कर रहे थे, आज वही योजना पूरे देश भर में हिंसा का कारण बनी हुई है। दोस्तों, कहीं ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, हिंसा भड़क रही है, पथराव हो रहा है, और तो और जितने भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं सबको भारी मात्रा में नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो पहली बात, ऐसा हो क्यों रहा है? दूसरी बात, कर कौन रहे हैं? वो लोग आखिर हैं कौन? तीसरी बात, वो लोग आखिर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना क्यों चाहते हैं? उनका इस योजना से क्या नुकसान होगा आखिरकार? और क्या सरकार इसको रोकने के लिए कुछ कर पा रही है या फिर नहीं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन सारी बातों पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बता देना चाहती हूँ कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि उम्र क्या होगी, क्या एज लिमिट होगी उन अग्निवीरों के लिए, 17.5 साल से 21 साल तक की होगी दोस्तों। लेकिन आज ही एक और चेंज, एक अमेंडमेंट, एक बदलाव किया गया है सरकार द्वारा। ये 21 साल नहीं, 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। जनता का आक्रोश देखकर, उन बच्चों का जो इस डिफेंस की तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम की, उनका आक्रोश देखकर कि उनकी एज निकल गई है, इसी वजह से सरकार ने 2 साल बढ़ा दी है उम्र, और अब 17.5 से 23 साल होगी, ना कि 21 साल। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे हिंसा हो रही है। ठीक है दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या हो रहा है और कहां कहां हो रहा है। तो पहली बात, बिहार में ट्रेनें फूंकी गई हैं दोस्तों। हरियाणा ऐसे जगह है जहां पर गाड़ियां भी फूंकी गई हैं, और तो और ट्रेनों पर पत्थर बरसाए गए, पटरियों पर धरना दिया गया। कहाँ की बात हो रही है? ये बिहार की। तो बिहार में बेसिकली अगर देखें तो ट्रेनों को ही एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। पहले उन्हें या तो आग लगा दो, उनमें आग नहीं लगा रहे तो पत्थर फेंको उनके जो यात्री हैं उन पर, या फिर ट्रेनों पर ही। उसके अलावा पटरी पर ही धरना देने बैठ गए हैं काफ़ी लोग, और इस वजह से पूरी 35 ट्रेनें ऐसी हैं दोस्तों जिनको रद्द कर दिया गया, सिर्फ इस कारण की वजह से कि लोग वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा 35 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कहाँ पर? बिहार में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जो उत्तराखंड है वहाँ पर सड़क पर युवा उतरे और उन पर लाठीचार्ज भी किया गया फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की जो पलवल जगह है वहाँ पर इंटरनेट ठप हो गया है, पूरा ठप हो गया है इन्हीं प्रदर्शनकारियों की वजह से, क्योंकि इन्होंने पुलिस की 5 गाड़ियाँ फूंक डाली और पुलिस पर पथराव भी किया। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में भर्ती कार्यालय के पास जाम लगा लिया दोस्तों इन उपद्रवियों ने। आगे उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं, और जो दिल्ली हमारी राजधानी है वहाँ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। हाईवे पे जाम लगा है, तोड़फोड़ करी, पुलिस से झड़प भी करी, मतलब हर वो चीज़ जो नहीं करनी चाहिए हर चीज़ करी। मध्य प्रदेश में तिरंगे के साथ प्रदर्शन किया गया, इंदौर में और काफ़ी और अलग अलग जगहों में भी, तो आप देख रहे हैं। और एक और यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं बता दूं, अभी खबर आई थी कुछ समय पहले, राजस्थान में भी जो युवाओं की भीड़ है उसने काफ़ी ज़्यादा हंगामा खड़ा करा है। तो अब आप देख लीजिए, बिहार हो गया, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, MP, UP, राजस्थान, मतलब हर जो भी बड़े बड़े राज्य हैं हमारे देश के, हर राज्य को इससे नुकसान पहुँचाया गया। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, यहाँ पर 2 बड़े मुख्यमंत्री हैं और इनके कितने अलग विचार हैं इसी एक चीज़ को लेके बस एक बार पढ़वाना चाहती हूँ कि हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो कह रहे हैं सेना भर्ती में केंद्र सरकार की नई योजना का देश में हर तरफ विरोध हो रहा है। ये बात तो खैर सच है, इनकी विरोध हो रहा है, हर जगह हो रहा है। युवा बहुत नाराज़ हैं, मांग एकदम सही है उनकी, इनके अनुसार युवाओं के सपने को 4 साल में बांधकर मत की रखिए हमारे युवाओं के सपनों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, योगी जी कह रहे हैं युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी, किसी बहकावे में ना आए, अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे। तो मैं नहीं कह रही कौन गलत है, इस समय कौन सही है, वो आप लोग को निर्णय करना है। मैं तो सिर्फ आपके सामने पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रही हूँ, आप समझिए अब कि ये अच्छी योजना है या बुरी योजना है। बस यही दिखा रही हूँ कि कितने अलग, कितने डिफरेंट विचार हैं इन दोनों के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारे युवा हैं आखिर वो क्या आपत्तियां जता रहे हैं। उनकी पहली आपत्ति ये है कि भर्ती के 4 साल के बाद वो आखिर करेंगे क्या। ये उनकी पहली आपत्ति है कि 4 साल उन्होंने दे दिए पर उसके आगे अब वहां से निकलने के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो वो क्या क्या करेंगे। इसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ कि सरकार ने अपने अपने निकाल दिए हैं मायने कि भाई आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा, आप प्राइवेट नौकरी भी आसानी से हासिल कर पाएंगे, उसके अलावा आपको 11 लाख का पैकेज भी मिल जाएगा। लेकिन अब मुझे नहीं पता अब ये मान रहे हैं या नहीं मान रहे, या अभी भी इनके मन में एक एंग्जाइटी है कि ये क्या करेंगे बाहर आने के बाद। तो ठीक है, इनका भी इनकी आपत्ति भी हम गलत नहीं कह सकते, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, मैथ 6 माह की ट्रेनिंग से देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। ये एक काफी बड़ा मुद्दा है क्योंकि जितने भी जो रक्षा विशेषज्ञ है ना वो भी इस पे नाराज हैं। वो भी कह रहे हैं कि जब आप देश के लिए एक सैनिक को तैयार कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग में कम से कम 6 से 7 साल मुझे लगता है देने चाहिए। काफी सारे रक्षा विशेषज्ञ यही कह रहे हैं और उनका ये मानना है कि 6 महीना एक बहुत ही ज़्यादा कम समय है। लेकिन अगर सरकार कह रही है, कुछ जो समर्थन में है वो ये कह रहे हैं कि जब सरकार कह रही है कि 6 महीने में वो करेगी तो कुछ तो सरकार ने सोचा ही होगा ना, कुछ तो नई टेक्नोलॉजी या कुछ तो फास्ट पेस रखी जाएगी ट्रेनिंग, जिस वजह से वो ये कह रहे हैं, जिस वजह से वो इस निर्णय पे आए हैं। किंतु फिर भी ये एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि हाँ भाई 6 मंथ्स इज अ रियली वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो उसमें लोगों को पूरे ढंग से ट्रेन करना, एक ऐसा लेमैन जो एकदम से उठ के आया है, माना उसमें जोश है, माना वो मोटिवेटेड है, परंतु फिर भी ट्रेनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं फिजिकली और मेंटली आपको बिल्कुल ट्रेन करने के लिए 6 महीना काफ़ी छोटा समय है, ये कह रहे हैं काफ़ी सारे लोग जो इसके विरोध में हैं। और जो समर्थन में है वो अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, तो देखते हैं। अगले युवा ये आपत्ति जता रहे हैं कि सेना में नौकरी पहले की तरह मिले, जैसे पहले नौकरियां मिलती थी वैसे इस बार भी मिले। और कोविड के टाइम से पहले काफ़ी सारी भर्तियां हुई थी सेना में, लगभग 80,000 के करीब, लेकिन फिर जब कोविड के टाइम आया तो भर्तियां काफ़ी कम हुई, मतलब भर्तियां ना के बराबर हुई, इस वजह से इस समय भर्तियां लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगली चीज़, 2 साल से बंद पड़ी भर्तियों को शुरू कराया जाए, बिल्कुल वही बात जो मैंने अभी कही। तो ये जो सारी आपत्तियां जता रहे हैं युवा, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा उपद्रव फैला रहे हैं पूरे देश भर में। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, इसमें सरकार ने क्या कहा। सरकार ने कहा है कि भैया अफवाहों से आप दूर रहें, अफवाहें से दूर रहें, योजना के कई फायदे हैं। अब क्या क्या फायदे हैं वो एक बार देख लो। सरकार के अनुसार, सरकार कह रही है कि 4 साल तक कौशल के बाद 24 की उम्र में कोई व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा बेहतर विकल्प होगा। बिल्कुल, अगर आप इस समय निकल रहे हैं, 4 साल के आपने जो ट्रेनिंग ली है वो कहीं ना कहीं तो आपके काम आएगी ना फ्यूचर में भी, और मोर ओवर नौकरी के भी कई सारे बेहतर विकल्प आपको मिलेंगे अगर आपने ये एक ट्रेनिंग, और अगर आप आर्मी में एक इतना वो देख के आए हैं तो फिर आपकी ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि कोई नौकरी मिले ही ना, है ना। बिल्कुल, बेहतर विकल्प तो हमेशा ही होंगे किसी एक अन्य व्यक्ति के कंपैरिजन में जो कि नहीं गया है सेना में, आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी। आगे, गृह मंत्रालय ने सेवा के बाद योग्य अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता की बात की है। CAPF में और असम राइफल्स जो काफी प्रसिद्ध है हमारी, उनमें सेना में जो आपकी भर्ती होगी उसमें प्राथमिकता दी जाएगी आप लोगों को अगर आप वहां पे 4 साल काम करने के बाद आते हैं। चलिए दोस्तों, और क्या कह रही है सरकार, और हमारी सरकार कह रही है कि भैया 4 अग्निवीरों में से एक को सेना में ही पक्की नौकरी मिल जाएगी। हाँ, ये बात तो हम भुला ही नहीं सकते, 4 में से 1 वो जो 25% हैं उनको तो आप स्थायी ही कर देंगे, है ना, वो तो स्थायी ही हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप उन 25% में आ जाएं अगर आप वहाँ जाने का सोच रहे हैं तो। चलो, कैरियर में अच्छी जगह अवसर मिलने का अच्छा मौका रहेगा, बिल्कुल ये सच बात है। अग्निवीरों को 21 से 24 साल की उम्र के बीच 12 लाख की जमा पूंजी कोई छोटी रकम नहीं होती, 12 लाख की जमा पूंजी मिलेगी। और इस आयु वर्ग में कितने लोग इतना धन जोड़ पाते हैं, बिल्कुल सत्य वचन है ये।
ये जो एज ग्रुप है 17.5 साल से अगर मैं मानूं आप लग जाते हैं, तो आप उसी एज में अर्न करने लग जाएंगे दोस्तों, और आप जब वहां से निकलेंगे तो आपके पास ऑलरेडी काफी सारी जो 12 लाख रुपए हैं वो होंगे। इस एज में तो लोग डिग्रियां ले लेके बैठे होते हैं और भटकते रहते हैं कि हम बेरोजगार हैं जी, हमें नौकरी दे दो। इस एज में तो लोग क्या कहते हैं, स्कूल पास आउट करके निकलते हैं साइंस स्ट्रीम से, पर फिर भी इंग्लिश ऑनर्स ही कर रहे होते हैं। मतलब इस समय जो ये होता है ना, ये इतना कंफ्यूजन वाला टाइम पीरियड है कि किसी को पता ही नहीं है कि आखिर हम करें क्या, क्योंकि डिग्रियां हैं पर नौकरियां नहीं है। तो इस एज में जब सब लोग नौकरियां और इन सब के पीछे भटक रहे होंगे, आपके पास ऑलरेडी एक ये है प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप जाएंगे और आपको तुरंत जो है इनकम वगैरह मिलती रहेगी। उस एज में जिस एज में पॉसिबल नहीं है काफी सारी मेजॉरिटी के लिए कुछ कमा पाना, अगर हम अनुशासित और कौशल से पूर्ण अग्निवीरों को देश की बड़ी कंपनियों में अपने यहाँ नौकरी पर रखने के लिए ऐलान किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाई वो अनुशासित हैं, कौशल पूर्ण हैं, उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी दूसरे लोगों के मुकाबले में, तो भाई नौकरी पे लगने का ऐलान कर दिया गया है कई बड़ी कंपनियों ने भी। तो मतलब नौकरी की तो एक तरीके से ये पॉइंट तो अब मैं नहीं मानती कि वैलिड रहा है दोस्तों। देखो नौकरी के लिए तो उन्होंने हर तरीके से आपको अश्योरिटी दे दी है कि यहाँ नहीं करना तो यहाँ कर लो, ये नहीं करना तो प्राइवेट में चले जाओ, 11 लाख से स्टार्टअप कर लो, कुछ भी कर लो, लोन्स भी मिल जाएंगे, हर जगह से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, हरियाणा और असम ने अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस एवं पुलिस के सहयोगी बलों में भर्ती करने की बात कही है। पुलिस में भी भर्ती करने की बात की गई है अब तो मतलब हर प्रकार से जो सरकार है वो ये चाह रही है कि आप लोग अफवाहों से दूर रहें, सिर्फ और सिर्फ वो जाने जो सच्चाई है। तो इसी के साथ जय श्री राम दोस्तों, मैं अंशिका अब आपसे विदा लेती हूँ। मेक श्योर कि आप हमारे चैनल के साथ ट्यून्ड रहें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, इस योजना के बारे में नहीं, वो आपके ऊपर है, किंतु क्या ये सही है कि किसी भी मुद्दे को उठाकर जितने भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं, जितनी भी सरकारी रिसोर्सेज हैं, सबको जलाया जाए, पथराव किया जाए या पुलिस से झड़प की जाए, ये कितना सही है आपकी नज़रों में दोस्तों? प्लीज़ मेक श्योर टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। जय श्री राम, जय हिंद।